हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम DMRC के बुक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट बुक है DMRC के लिए। तो मैं एक एक करके हर चीज़ का डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं DMRC से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, लाइक इंग्लिश की क्लास मुझे शाम में 7 बजे, बट मैं इससे पहले भी अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आके सारा प्रीवियस ईयर बताता हूँ, और आने वाला कुछ दिन में ही मैं GK और रीजनिंग भी मैं चालू करूँगा, जो देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके बेस्ट बुक पता करूँगा। ठीक है, सो देखते हैं बेस्ट बुक कौन कौन सा है DMRC के लिए। मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप DMRC का तैयारी कर रहे हैं, लाइक DMRC के बच्चे LMRC का भी फॉर्म भरता है, और मैं सब ऑल ब्रांच के लिए बता दूँ कि DMRC का प्लस तो सिलेबस देख लीजिए, जैसे मैथ है, तो मैथ के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, तो मैं बता दूँ मैथ के लिए जो बेस्ट बुक रहेगा। सो आपको मैं दिखाता हूँ ही हूँ कि मैथ के लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा। ये राकेश सर का मैथ का बुक है, सो आप लोग राकेश सर का मैथ का बुक पढ़ सकते हैं। सो मेरे ख्याल से ये बुक सफिशेंट है अगर आप DMRC का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये DMRC के लिए सफिशेंट है। मैं बता दूं कि उस बुक में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, राकेश सर का जो नोट्स है आप वहाँ से तैयारी करेंगे। अगर पहली बार जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे नॉन टेक का भी तैयारी करते हैं जो टेक्निकल के बच्चे हैं, सो उसके लिए तो ईजी होगा, बट जो तैयारी नहीं करते हैं, जो फ्रेशर है, मैं बता दूँ कि राकेश सर का नोट्स का बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो बहुत कराते हैं। CGL थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, क्योंकि CGL का मेन फोकस है इंग्लिश और मैथ ही होता है। बट आपका अगर अगर आप लोग इसका तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल वाले में से हैं, तो आपका उसमें मैकेनिकल भी होता है, या जो भी टेक्निकल भी पूछता है, नॉन टेक पूछता है, तो यहाँ आपका टेक्निकल मेन हो जाता है। ठीक है, सो आप लोग इसमें बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये बेसिक आता है। मैं एक बार होगा तो मैं खुद मैथ का ओवरव्यू बता दूंगा कौन कौन सा बेसिक है, मेरे पास नोट्स भी है। होगा तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। सो अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग राकेश सर का मैथ पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का बताऊँ तो नीतू मैम का इंग्लिश है, मैं दिखा रहा हूँ आपको नीतू मैम का इंग्लिश, ये आप लोग नीतू मैम का इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट बुक है नीतू मैम का। अगर इंग्लिश का बात करें, दिस इज़ द बेस्ट बुक्स फॉर एनी एग्जाम्स। मैं एक बताऊँ, नॉन टेक वाले जो बच्चे हैं जो CGL की तैयारी करते हैं, इस बुक को ये भी रिसीव करते हैं, बट आप लोग के लिए ये सफिशेंट है इंग्लिश के लिए। मैं इंग्लिश का एक वीडियो भी बनाया हूँ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें जो मैं एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं प्ले स्टोर में, या आप जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से DMRC ग्रुप है वहाँ पर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर हर लिंक शेयर कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है। एक और मैं बताता हूँ कि वोकैब के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, तो BMW वोकैबुलरी, क्योंकि इंग्लिश का 2 पोर्शन है, एक ग्रामर पोर्शन आ जाता है और एक आपका ये पोर्शन आ जाता है नॉन ग्रामर वाला में, जिसमें वोकैबुलरी है। ठीक है ना, एनोनिम सिंटोनियम्स है। सो ये बुक काफ़ी बेस्ट है मेरे ख्याल से। ठीक है, सो इस बुक के लिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि इतना बुक अगर लोग परचेस नहीं कर सकते तो कैसे तैयारी करें, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह करेंगे फिर। और देखता हूँ और कौन कौन सा बुक है। रीजनिंग का बात करें तो आर्यंत का रीजनिंग ले लीजिए, सो सफिशेंट है मेरे ख्याल से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए आ जाता है। सो आप लोग ये रीजनिंग पढ़ सकते हैं, तो ये रीजनिंग ले लीजिए, बेस्ट है। आप उसके अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और रुके रहिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कि बहुत ऐसे बच्चे कि भाई इतना बुक थोड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा बुक तो आपके पास आई, तो मैं आपको बताऊंगा फिर करना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, GK का बात करें, लूसेंट सब कोई बोलता है, बट मैं लूसेंट की जगह मैं बता दूं कि आप लूसेंट नहीं ले सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आप लोग के पास आर्यंत का एक GK आता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। सो ये एक 2020 का GK आता है, या आर्यंत का भी एक GK आता है, वो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा बच्चा लूसेंट पढ़ना नहीं पसंद करता है, तो आप लोग एक काम करेंगे, लूसेंट नहीं ले सकते हैं तो आर्यंत का ही ले लेंगे। ठीक है, अगला मैं बता दूं, अगर मैकेनिक सिविल से हैं तो आप लोग बता दूं कि S चंद्र है, सिविल के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, सो आप लोग ये कर लेंगे, काफ़ी बेस्ट होगा, क्योंकि सिविल में काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे BTEC वाले हो, वहाँ के लिए आप सफिशेंट हैं। ठीक है, अगर मैकेनिकल के बात मेंटेनेंस के लिए बात करें तो आर्यंत का ही मेंटेनेंस का भी आ जाता है। सो आप लोग अगर ये कर लेंगे, मेरे ख्याल से देखिए, बुक लेना और एक बार पढ़ के छोड़ने से नहीं होता भाई, बुक लेने के बाद कम से कम एक बुक को ही इतना बार पढ़ो ना कि बुक आपको पढ़े, आई मीन से कि आप इतना बार पढ़ो ना कि आपके माइंड में अगर कहीं से भी अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग तुरंत उस चीज़ को रिप्लाई दे सके, तुरंत उस चीज़ को जवाब दे सके। ये नहीं कि बुक तो आपके पास काफ़ी सारा होगा। ठीक है, सो मैं आप लोग को ये काफ़ी बुक है मेंटेनेंस के लिए। और अगर बात करें मैकेनिकल के लिए, सो मैकेनिकल के लिए मैं बता दूँ कि
अगर आप मैकेनिकल के हैं तो सो आप मैकेनिकल के लिए ये बुक मेरे ख्याल से सफिशेंट है। एस चंद या आर एस खुरमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो यानी तो आर के जैन ले लीजिए, काफ़ी सफिशेंट है ये बुक। अगर आप अच्छा से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आराम से आपका काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर हो जाए। और सब बारे बच्चे हैं जैसे मान लीजिए कंट्रोल वगैरह या बहुत ऐसे, मैं उनके लिए एक बात दिखा रहा हूँ सारा, आप लोग वहाँ से बुक परचेस करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैं दिखाता हूँ, फिर लास्ट में कुछ वीडियो बताऊँगा, ठीक है। सो आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर। सो आप लोग देख सकते हैं बेस्ट बुक कौन कौन सा है। अगर आप ये सारा बुक तो मैं दिखाया है अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार ये बुक मेरे ख्याल से बेस्ट था। बाकी बात आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी एक मेरे अनुसार ही है, बट बहुत ऐसे बच्चा है बुक है कि ये बुक मेरे पास है और सब कौन सा बुक लूँ। तो सो ये है, और बाकी बात मैं लास्ट में कुछ आपको बताऊँगा कि किस तरह करेंगे। सो आप लोग सुनिएगा, ठीक है। ये आर एस अग्रवाल का है, मैथ का है, बाकी बात ये जो भी है, और सारा ब्रांच के लिए यहाँ पर आपका देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं बताऊंगा फिर, मेरे वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा तो सो मैं करता रहूँगा, ठीक है। अगर होगा तो इसका मैं PDF भी डाल दूंगा। दिशा का है ये, दिशा पब्लिकेशन का है, सो देख सकते हैं। आर्यंत का है, आर सेवाल का है, मैथ वगैरह। अब बाकी जैसे और सब ब्रांच है, जैसे काफ़ी सारे ब्रांच के बच्चे हैं, तो GK पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है। आप लोग वहाँ उसका बुक परचेस कर लेंगे, मेरे ख्याल से सफिशेंट है जो मैं आपको, ठीक है। तो GKP पब्लिकेशन करके बुक आता है, वो भी अगर आप बुक ले रहे हैं तो काफ़ी सफिशेंट है। सो अगर आप लोग इतना बुक अगर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। DMRC नहीं, इवन कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस सारा बुक को ही अगर पढ़ लीजिएगा ना तो मेरे ख्याल से आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं क्या बताने वाला था लास्ट में, मैं बता दूँ, ये बताने वाला था लास्ट में कि आप लोग के पास जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, तो बहुत ऐसे बुक, बहुत ऐसे नए बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उसके लिए, कि बहुत ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे पहले से ही, ठीक है। सो काफ़ी एक बेस्ट होगा भाई। अब मैं बता दूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि पुराने होंगे, सो उसको किस तरह पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके पास ऑलरेडी बुक काफ़ी सारा होगा, तो मैं बता दूं ये सारा बुक आप ना मत लो, क्योंकि आप लोगों के पास जो बुक है ना उसे ही पढ़ लो, मेरे ख्याल से सफिशेंट है। बाकी मैं अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि बहुत राइटर का अलग अलग राइटर का बुक होगा। भाई मैं बता दूँ, कोई भी बुक बेकार नहीं होती है। आपके पास जो नोट्स है ऑलरेडी अगर आप बना चुके हैं तो उसे ही पढ़ें। जो भी नया कुछ आता है तो मैं उसका वीडियो बना ही देता हूं। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं बकायदा, तो मैं ऐसा नहीं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ, आप फालतू का कॉमेंट होता है मैं उसका क्या रिप्लाई दूँ। जो आप लोग पास जो भी बुक है ना उसी बुक को पढ़ो, मत बुक खरीदिए, ठीक है। हाँ, एक है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, मैं करंट अफेयर के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, मंथली वीडियो भी बनाता हूँ फ्री में PDF, और सब तो मेरे ख्याल से पैसा लेता है, बट मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा PDF, करेंट अफेयर्स में रिलेटेड खुद वीडियो बनाऊंगा, बट आप लोग अगर साथ दीजिएगा, अगर बोलिएगा तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। हालिका में और तो रेगुलर रोज बनाता ही हूँ। वही बोलूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, नया है बच्चे हैं, तो आप लोग बुक परचेस कर सकते हैं मार्केट से जाके, ठीक है। और वहाँ से परचेस कीजिए, कोशिश कीजिए एक अगर आप लोग के पास कोई मार्केट है होलसेलर का वहाँ से कीजिए, ताकि आप लोग को कम रेट में मिल जाए, ठीक है। यही बोलना था मुझे आज, ठीक है। सो आप लोगों को मुझे विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चलेंगे, तो जम के तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, काफ़ी टेक्निकल का वैकेंसी सारा आ रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।